हाय एवरीवन, ये वाले वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट सिस्ट के बारे में। ब्रेस्ट के अंदर जो गांठ आती है, स्पेशली जो नॉन कैंसरस गांठ होती है, वो होने के क्या क्या रीजन होते हैं और उसको कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये परेशानी भी महिला में बहुत कॉमन है। बट ये गांठ क्यों आती है और उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में उनको पता नहीं होता, इसीलिए ये वीडियो में हम बात करेंगे कि ये गांठ होने के क्या क्या कारण होते हैं और फिर आपको इसको नेचुरली कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल, मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे के फाउंडर हूँ। आई एम ऑल्सो होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड होलिस्टिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट। जो ब्रेस्ट के अंदर गांठ आती है, बहुत सी महिलाओं को इसकी दिक्कत है बट इनको समझता नहीं है, उनको नहीं पता होता है कि ये गांठ क्यों आती है। काफी बार जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ दवाइयाँ दी जाती है या कभी कभी सर्जरी रेकमेंड करते हैं कि सर्जरी से वो गांठ हम निकाल देंगे, बट ये करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें होती है वो फॉलो करके आप ये गांठ नेचुरली भी कम कर सकते हो। बट हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप कोई भी गांठ आपके ब्रेस्ट में नोटिस करते हो, हमेशा पहले डॉक्टर को कंसल्ट करो। आपको हमेशा ये कंफर्म करना है कि ये नॉन कैंसरस गांठ है। उसके लिए बहुत सारी जांच है, जैसे कि सोनोग्राफी, मैमोग्राफी, फिर जो FNAC है, मतलब जो गांठ के अंदर नीडल डाल के उसका फ्लूइड टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और पता चलता है कि ये गांठ कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। बट स्पेशली आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नॉन कैंसरस गांठ होती है वो होने के क्या रीजन होते हैं, उसको कम कैसे करना होता है। ब्रेस्ट के अंदर जो गांठ आती है उसका सबसे कॉमन जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। स्पेशली ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसमें इम्बैलेंस होता है, मतलब ईस्ट्रोजन की मात्रा जो है वो बढ़ती है। इसको ईस्ट्रोजन डोमिनेंस ऐसे भी बोलते हैं। तो ये ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से ब्रेस्ट के अंदर गांठ आती है। सो क्या होता है, जब भी ईस्ट्रोजन में इम्बैलेंस होता है, ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क डक्ट होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी साइज बढ़ने लग जाती है और पानी उसके अंदर भरने लग जाता है, उसी की फिर गांठ बनती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्रेस्ट के जो डक्ट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं या वो ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं और वहां पे गांठ बन जाती है। जो मेन कारण है ब्रेस्ट के अंदर गांठ बनने का वो है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस या ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस। ये गांठ भी होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसको बोलते हैं फाइब्रो एडिनोमा या फाइब्रो एडिनोसिस। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, फाइब्रो एडिनोमा जो है वो 15 साल से लेके 30 साल की उम्र तक ये कॉमन होता है। ये जो गांठ होती है वो यूजुअली पेनलेस होती है, सॉफ्ट रबरी ऐसा एक लंप होता है और कभी कभी पीरियड के पहले इसकी साइज बढ़ सकती है, हल्का सा पेन हो सकता है। यूजुअली ये हमेशा रहती है, पेनलेस होती है और इजिली मूवेबल होती है। दूसरा टाइप है जिसको फाइब्रो एडिनोसिस बोलते हैं, वो स्पेशली पीरियड्स के अराउंड आती है, मतलब पीरियड जब आने वाले होते हैं उसके कुछ समय पहले ये गांठ दिखने लग जाती है। इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है और ये थोड़ी हार्ड होती है और बहुत ज्यादा टेंडर होती है। जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं ये गांठ का साइज धीरे धीरे कम हो जाता है और इवन ये गांठ कम्प्लीटली चली भी जा सकती है। तो ये दो डिफरेंस है। और ये फाइब्रो एडिनोसिस जो है वो यूजुअली लेट या लेटर इन लाइफ आती है, जैसे कि 25 से लेकर 40 की उम्र तक ये होना कॉमन है। तो अभी जैसे हमने देखा कि ये होता है ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से, स्पेशली जो ईस्ट्रोजन लेवल अगर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ये गांठ फॉर्म होती है। तो अभी इसको कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हमने पहले ही देखा कि इसका ट्रीटमेंट काफी बार हार्मोनल पिल्स रेकमेंड किया जाता है या अपने सर्जरी भी करवाई उसके बाद भी ये गांठ वापस आ सकती है। इसीलिए ऐसी चीजें हम देखेंगे कि जिससे आपका रूट कॉज सही हो और नेचुरल गांठ कम भी हो जाए। ये आपको ये गांठ जो है वो नेचुरली कम करने के लिए क्या क्या करना है, ये दो चीजें मैं आपको बताऊंगी, उसको आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। पहला है ईस्ट्रोजेनिक फूड्स, स्पेशली मिल्क, सोया, इनको ईस्ट्रोजेनिक फूड बोलते हैं। इसकी वजह से ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस या ईस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बढ़ सकता है। इसके लिए इनको लेना आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है या कम कर देना है। और उसी के साथ जितनी भी रिफाइंड या प्रोसेस्ड चीजें होती है, जैसे कि रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर, ये सारी चीजें भी लेना आपको बंद कर देना है, कम कर देना है, क्योंकि इनसे भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरा जो है, जो भी प्लास्टिक यूटेंसिल्स है उनका यूज भी आपको कम करना है, क्योंकि प्लास्टिक में स्पेशली जो BPA है, बेस्फेनॉल ए, ये केमिकल जो प्लास्टिक में पाया जाता है वो हीट होने की वजह से माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी में एंटर करता है। तो जब भी कोई भी गर्म चीजें आप प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हो, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है वो काफी समय तक रखी हुई होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही छोटे या माइक्रोप्लास्टिक्स वो पानी में या हमारे फूड में
आ जाते हैं, और वो जब भी हम ये चीजें खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारे शरीर में चले जाते हैं और उसकी वजह से हमें हॉर्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये जो माइक्रोप्लास्टिक है हमारे शरीर में एंटर करते हैं वो हॉर्मोन्स की तरह बिहेव करते हैं, स्पेशली इस्ट्रोजन हॉर्मोन की तरह, और फिर हमें इस्ट्रोजन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम या इस्ट्रोजन डोमिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसकी वजह से बाकी जो भी इस्ट्रोजन रिलेटेड इश्यूज है, ब्रेस्ट में सिस्ट होना, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं वो हो सकती है। इसके लिए दो चीजें लेना आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है। अभी हम बात करेंगे क्या क्या चीजें फिर हमें लेनी है जिससे ये ब्रेस्ट में सिस्ट है उसकी साइज कम हो जाए। पहला है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे कि ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर। ये जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। जो इस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन ऐसे जो हार्मोन होते हैं, इनका फिल्ट्रेशन हमारे लीवर में होता है। एक्सेस इस्ट्रोजन को निकालने का काम लीवर करता है, और लीवर का काम अच्छे से चलने के लिए हमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लेना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप रेगुलरली ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लेना स्टार्ट करिए। दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब जो ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन आई है उसको कम करने के लिए हेल्प करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड, फैटी फिश है, एग योक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। या आप कॉड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। फिर अगला है विटामिन ई। विटामिन ई ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये जो सिस्ट का साइज है वो कम करने के लिए और उसी से रिलेटेड जो भी पेन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स ले सकते हो। फिर ओवरऑल जो हॉर्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम कम करने के लिए आपको स्ट्रेस रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें भी करनी है ताकि जो भी हॉर्मोन रिलेटेड इश्यूज है वो आपके शरीर में कम हो जाए। फिर अगला है एक ऑयल है, उसका नाम है प्राइम रोज ऑयल। ये ऑयल से आप जहां पे भी ब्रेस्ट में गांठ है वहां पे मसाज कर सकते हो। हफ्ते में 2 से 3 बार आप ये मसाज करिए, जिससे ये सिस्ट की साइज कम होने के लिए काफी हेल्प होती है। और लास्ट जो है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। सो होम्योपैथी में भी काफी अच्छी मेडिसिन है जो ये हॉर्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम सही करने के लिए, और उसी के साथ जो सिस्ट है उनकी भी साइज कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। आपको भी ब्रेस्ट के अंदर गांठ है तो अब ये सारी चीजें फॉलो करिए, और उसी के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी जरूर लीजिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब भी आप लेते हो तब ये प्रॉब्लम जो है वो रूट से ठीक होती है और आगे ये प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको आगे भी हेल्थ रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।